अमेरिकी मदद की उम्मीद टूटने के बाद रूस का मुकाबला कर रहे यूक्रेन की सैन्य स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई है। यूक्रेन सैन्य हथियारों की भारी कमी से जूझ रहा है और उधर उसके दुश्मन रूस ने बीते कुछ महीनों में अपने हथियारों को अपग्रेड करने के साथ ही अपनी रणनीतियों में भारी बदलाव किया है। ऐसे में यूक्रेन जवाबी हमला करने की जगह ज्यादा ताकत आत्मरक्षा या बचाव में लगा रहा है। उधर रूस ने यूक्रेनी टैंक के हमलों को विफल करने और डोनेट्स की रक्षा करने के लिए अपने बख्तरबंद ट्रेनें तैनात कर दी है, जिसे जार ट्रेन कहा जाता है। यूक्रेन और पश्चिमी पर्यवेक्षकों का दावा है कि रूस ने रक्षात्मक लाइन के रूप में काम करने के लिए डोनेट्स में लगभग 2000 ट्रेन वैगनों की 30 किलोमीटर लंबी लाइन खड़ी कर दी है। हजारों टन धातु से बना भारी और इतना लंबा अवरोध दोबारा कब्जा करने में लगी सेना के लिए भारी कठिनाई पैदा करेगा। कह सकते हैं कि रूस की ये दीवार एक ऐसी बाधा है जिसे पार करना यूक्रेनी सैनिकों के लिए लगभग असंभव है। रूस अपने सैनिकों मानव रहित हवाई वाहनों, मोर्टार और लड़ाकू वाहनों के साथ ही भारी हथियारों से लैस प्लाटून को भी बख्तरबंद ट्रेनों से मोबिलाइज करता है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार ऐसा लगता है कि रूसी सेना ने भविष्य में यूक्रेनी हमलों के खिलाफ रक्षात्मक रेखा के रूप में काम करने के लिए कब्जे वाले डोनेट्स ओब्लास्ट में 30 किलोमीटर लंबी बाधा का निर्माण किया है। मई 2023 और 6 और 10 फरवरी 2024 की सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि बीते 9 महीनों में कब्जे वाले डोनेट्स शहर के दक्षिण में वोल्दार के दक्षिण पूर्व और मारियुपोल के उत्तर तक ट्रेन की लंबी लाइन फैली हुई है। इसका ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये रूसी सेनाओं की सैन्य रणनीति का हिस्सा है। रिपोर्ट में एक यूक्रेनी सूत्र के हवाले से कहा गया कि रूसी सेना ने जुलाई 2023 में ट्रेन को असेंबल करना शुरू कर दिया था, जिससे पता चलता है कि रूस का इरादा भविष्य में यूक्रेनी हमलों के खिलाफ रक्षात्मक रेखा के रूप में ट्रेन का उपयोग करने का है। यूक्रेनी टेलीग्राम चैनल डीप स्टेट के अनुसार 30 किलोमीटर लंबी बख्तरबंद ट्रेन को हिलाना या उड़ा देना चुनौतीपूर्ण है। दूसरी तरफ यूक्रेन के पश्चिमी मददगारों से भी उसे हथियार नहीं मिल पा रहे हैं। उनका कहना है कि हथियारों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई सुविधाएं स्थापित करने में कई साल लगेंगे। ऐसे में युद्ध के मैदान में यूक्रेन की आगे की डगर काफी कठिन दिखाई दे रही है।